कोई सोच नहीं रहा था कि ये जो टीम आई है इससे पाकिस्तान हार भी सकता खेल पा रहे हैं उस तरह से। आप देखें कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज T20 है, T20 के लिए तो हमारे प्लेयर्स को कहा जाता है कि ये प्लेयर्स ही शायद T20 वाले हैं। कौन T20 में भी परफॉर्म नहीं करता, कौन है? शोएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड कप में बोला था कि ये T20 के प्लेयर्स हैं। वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का था तो कहा गया था कि ये T20 के प्लेयर। अब क्या कहेंगे, अब T20 आ गया तो अब हम क्या कहेंगे कि T10 के प्लेयर। अब हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रही है, 170, 180, 190, अब ये क्रिकेट नहीं है। अब आप दुनिया की जो मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं उसमें देखें, कोई टीम 200 बना रही है, कोई 220 बना रही है, कोई 240 तक भी हमने देखा है। तो अब हमें थोड़ा सा गियर चेंज करने की ज़रूरत है। टीम के भी एक माहौल भी डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता कि अब मुराल शाहीन का भी डाउन होगा? डेफिनेटली, मैं तो ये समझता हूँ कि शाहीन के साथ ज़्यादा बात करनी चाहिए, बाबर को नज़र आना चाहिए कि शाहीन और बाबर दोनों ग्राउंड के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये सीरीज रखी क्यों गई? ये 5 टी तैयारी के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अगर आप रख रहे हैं तो 11 उनके सुपरस्टार्स नहीं आ रहे, 11 स्टार्स उनके नहीं आ रहे, टॉप प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। सो दिस मींस के बेनिफिट कौन करेगा? तैयारी किसकी हम करवा रहे हैं? न्यूजीलैंड की करवा रहे हैं, अपनी कर रहे हैं? न्यूजीलैंड की वो टीम जिसके बाल आज भी उनकी अम्मा कंघी करके देती है और कहती है जा बेटा खेल क्या गली में वो छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली दोस्तों चैपमैन ने, मार्क चैपमैन ने 42 पे 87 रन टोके हैं पाकिस्तानियों को, और स्पेशली नसीम शाह की तो इतनी फाड़ दी 2024 के भी 4 महीने गुजर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान टीम जलील हो रही है। दुनिया की हर बड़ी टीम, दुनिया की हर छोटी टीम आके पाकिस्तान का घंटा बजा रही है। ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूं ये पाकिस्तान को कनाडा और अमेरिका भी फैलेगा भाई, देखना। बाबर आजम इस लॉस के हवाले से कहते हैं कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं कराई, खुसूसन आखिरी 10 ओवर में जो बॉलिंग कराई उसकी वजह से मैच हारे। साथ साथ उन्होंने कहा अगर मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ेंगे तो फिर तो मैच हाथ से निकलेगा। छोटे छोटे बच्चे गए, स्कूल की छुट्टियां हैं वहां पर, तो अम्मा ने कहा चलो पाकिस्तान चले जाओ सीरीज खेलने। क्यों बाबर आजम और रिजवान हर मैच खेलते हैं, क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं खेलते हैं? जो इन्होंने ट्रेनिंग की है, रस्से पे चढ़े हैं, पहाड़ पे चढ़े हैं, खिलाड़ी को अपने कंधे पे उठाकर भागे को पिटाई होनी है बहुत शिद्दत के साथ। आप देखें आईपीएल में दुनिया क्रिकेट क्या खेल रही है, वो लोग जो है ना जो आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं इन्होंने उसके बाद उधर भी जाना है, कप के लिए भी जाना है वेस्ट इंडीज और अमरीका में, तो वो तो पिटाई करेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था कि न्यूजीलैंड की बच्ची टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया था। अब पाकिस्तानी टीम का कप्तान बाबर आजम ने एक बयान दिया है कि यह मैच हम लोग गेंदबाजों की वजह से हारे, इस टारगेट को हमारे गेंदबाजों को बचाना चाहिए था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गई है और बाबर आजम से कह रही है कि घंटे तुम भारत के खिलाड़ियों को देख लो आईपीएल में किस तरीके की रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पिंडी की विकेट एक बैटिंग विकेट है, यहाँ पर 250 के करीब रन बनाने चाहिए किसी भी टीम को यदि मैच जीतना है तो, और ऐसे में तुम 180-185 रन बना रहे हो और बोल रहे हो कि हमारे गेंदबाजों को इस स्कोर को बचाना चाहिए था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों सच बताऊं तो जब से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के बच्चों की टीम से हारी है तब से पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और कुछ भी अपनी टीम को कहते हुए चला जा रहा है। ठीक वैसे ही खिलाड़ियों के बीच भी देखा जा रहा है, कोई भी खिलाड़ी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, गेंदबाज बल्लेबाजों को दोषी बता रहे हैं, बल्लेबाज गेंदबाजों को दोषी बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तान के हार के बारे में। देखें बुनियादी तौर पर लोगों को मुनासिब लोगों को बुरा लगता है, हाँ। हकीकत वही है, आपके पास सलाहियत की कमी है, आप तस्लीम कर लेंगे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी। और ये जो हम उठते हैं और अपने खिलाड़ियों को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बनाना शुरू कर देते हैं एक विकेट के बाद या एक छक्के के बाद, हाँ। इससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम ये करते रहेंगे ना, वो लोगों को दिखाना चाहिए जो आप असल में हैं। 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये क्रिकेट के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। जब आप उनको ये बयान करेंगे ना कि ये जमीन आसमान किसी भी खिलाड़ी की तारीफ में एक कर देंगे, तो लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है, एक जोश और जज्बा पैदा होता है कि ये वाकई बहुत अच्छे हैं। और जब वो खेल के मैदान में जाते हैं तो वहां पर ये जो हालत होती है पाकिस्तान की, फिर लोगों को तकलीफ होती है। आज स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो उसमें तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी टीम ने हथियार डाल दिए। क्या हुआ, वो बहुत अच्छा खेले, हम बहुत बुरा खेले, हुआ क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सीरीज रखी क्यों गई?
ये पांच टी तैयारी के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अगर आप रख रहे हैं तो 11 उनके सुपरस्टार्स नहीं आ रहे, 11 स्टार्स उनके नहीं आ रहे, टॉप प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, सो दिस मींस के बेनिफिट कौन करेगा? तैयारी किसकी हम करवा रहे हैं? न्यूजीलैंड की करवा रहे हैं, अपनी कर रहे हैं? नंबर 1 उन्हीं की कराइए। अच्छा, अगर स्टार्स आ जाते हैं डॉक्टर साहब फिर क्या होता? एग्जैक्टली उसी पे आ रहा था। सेकंडली, अगर आपने ये सीरीज तैयारी के लिए रखी थी तो आपको फोकस क्या था और आपके प्लान्स क्या थे? वो तो कुछ नहीं नजर आए। तीसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा एविडेंट हुआ है पिछले 3-4 महीने से कि एक मेंटल ब्लॉक है, और जो मैनेजमेंट है टीम की वो ये चाहती है कि किसी तरह मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी, स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा नहीं, एक 130 के करीब है, एक 124 के करीब, चले तोड़ दें, फिर आप रिप्लेसमेंट लेके आएंगे, रिप्लेसमेंट लेके आएंगे तो आप रिजवान को कहाँ पे खेलें? अब हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस ब्रांड की T20 क्रिकेट खेल रही है, 170, 180, 190 अब ये क्रिकेट नहीं है। अब आप दुनिया की जो मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं उसमें देखें, कोई टीम 200 बना रही है, कोई 220 बना रही है, कोई 240 तक भी हमने देखा है। तो अब हमें थोड़ा सा गियर चेंज करने की ज़रूरत है। हम लंबी बैटिंग के साथ जाते हैं लेकिन वही मिडिल ओवर हमारे मसाइल हैं। मिडिल ओवर में जिस तरह हमने कल मैच को लूज़ किया है, 178 तक महदूद रहे, फिर जो हमने 3 क्रूशल कैचेस चैपमैन के छोड़ दिए, 16 पर पहले कैच छोड़ा नसीम शाह ने, फिर 36 पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ उस्मान खान से, फिर कॉट एंड बोल्ड अब्रार अहमद कैच उनका ना ले सके। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी फील्डिंग की तरफ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओवरऑल जो हमारा क्रिकेटिंग ब्रांड है T20 का उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। सिख भाई, ऑल अप फॉर दिस डिस्कशन कि पाकिस्तान को थोड़ा ब्रांड चेंज करने की जरूरत है, तेज़ खेलने की जरूरत है, लेकिन पार स्कोर जनरलाइज नहीं किया जा सकता सर? कंडीशन के हिसाब से स्कोर लगता है हर कंडीशन में, हर पिच पर 200-250, 225 नहीं बन सकता? कल की पिच को मद्देनजर रखते हुए आपकी नज़र में स्कोर ठीक था? नहीं, थोड़ा ज़्यादा बन सकता था, मगर कुछ 10-15 रन। मैंने बार बार ये बात कही है कि इन मैचों में आप एक्सपेरिमेंट्स कर लें। इस एशिया कप से लेके अभी तक 2024 आ गया है, 2024 के भी 4 महीने गुजर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान टीम जलील हो रही है। दुनिया की हर बड़ी टीम, दुनिया की हर छोटी टीम आके पाकिस्तान का घंटा बजा रही है, छनकना बजा रही है, और पाकिस्तान टीम का कप्तान एक ही है जिसका नाम है द ग्रेट बॉब्जी घंटा, द ग्रेट बॉब्जी किंग, द ग्रेट मेरे घंटे का किंग। भाई अब ये लड़ पड़े हैं क्योंकि न्यूजीलैंड की डी नहीं एल टीम ने ना, जब पाकिस्तान को रात को पहला पिंडी में चैंपियन ने मार मार के बाबर आजम का घंटा बजा दिया पकड़ के, अब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान एक्टर से लड़ पड़ा भाई। के वो रिजवान को कहता है कि तू स्लो खेल है, शाहीन को कह रहा है कि तूने बॉलिंग क्यों नहीं अच्छी की। पहले मैच फिक्सिंग की नजर हो गई उसके 5 साल करियर के मोहम्मद आमिर के, फिर 4 साल वो फोर्स रिटायरमेंट में चला गया, 4 साल के बाद उसको वापस लेके आ रहे हैं किसी बेस पे, बिल्कुल उसको एक मैच खिलाते हैं, वो 3 ओवर करते हैं, उसके बाद वो कल का मैच क्यों नहीं खेला? नहीं खेला, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? आपका जो हेड कोच है अजहर महमूद, वो एक क्वेश्चन की रिप्लाई में कह रहा है जो कि सही कह रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया इस हार पर विश्वास नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की इस टीम से पाकिस्तान की टीम हार जाएगी, और ऐसा होते हुए देख हमें बहुत बुरा लग रहा है। वहीं पर कुछ मीडिया वालों का यह भी कहना है कि जब पाकिस्तान की टीम वनडे का वर्ल्ड कप खेल रही थी तब कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो T20 की टीम है, अब जो ये टीम T20 खेल रही है तब भी हार रही तो अब लोग कहेंगे ये तो T10 की टीम है। वहीं पर कुछ मीडिया वालों ने अब ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि हमारे खिलाड़ी तो गए थे फिटनेस के लिए ट्रेनिंग पर, वहां जाकर पत्थरों में दौड़ रहे थे, खिलाड़ियों को कंधे पर उठाकर दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी फिटनेस कहाँ चली गई? हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग इतनी घटिया देखी कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। हमारे इन खिलाड़ियों को भारत के खिलाड़ियों से सीखना चाहिए जो IPL में इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया है। वहीं पर सिकंदर भक्त ने यह भी बोला है कि यदि हमारे टीम को जीत हासिल करनी है तो हमारे टीम को भारत के खिलाड़ियों से सीखना चाहिए, वो IPL में किस तरीके से 20 ओवर में 225 रन, 250 रन, 275 रन तक मार दे रहे हैं, और हमारी टीम 175 रन बनाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है बच्चों के सामने। यदि कहीं न्यूजीलैंड की मेन टीम आई होती तो ये तो अंडर वियर में ही पेशाब कर देते, ऐसा कहना है सिकंदर भक्त का। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम को भेजा था तब यही पाकिस्तानी कह रहे थे कि इस टीम से हमारा क्या मुकाबला, ये तो बच्चों की टीम है, ऐसे में हमारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान किस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे।
लेकिन जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बैटिंग करने आए इन बच्चों के सामने तो उनका स्ट्राइक रेट 102 और 127 का रहा। ऐसे में उनको तो पता चल गया कि इन बच्चों के सामने हम क्या बैटिंग करेंगे। उसी के साथ साथ इन मीडिया वालों को भी पता चल गया कि हमारे बल्लेबाज किसी भी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का पाकिस्तानी मीडिया के बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।